प्रतापगढ़ में तानाशाही चौकी इंचार्ज पर गाली गलौज व एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया। चौकी इंचार्ज पर दिव्यांग की दुकान को फेंकने का भी आरोप लगाया गया। अक्सर विवादों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। चौकी इंचार्ज राम आधार यादव इसके पूर्व डेरवा चौकी प्रभारी रहते भी सवाल उठ चुके हैं। मुकबधिर दिव्यांग रोजी रोटी व न्याय के लिए दर दर ठोकर खाने को मजबूर है। मामले में उक्त जमीन का कागजात दिखाने के बाद भी नहीं शांत हुआ साहब का मूड। साहब ने दिव्यांग को भी नहीं बख्शा जबकि दिव्यांग कागजात दिखाता रहा। पीड़ित परिजनों ने मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार सिंह से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। मामले में कोतवाल लालगंज को जांच कर विधिक कार्रवाई का आदेश मिला। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र की कांसापुर का है। अगर अपने पर पुलिस सशक्त हो जाए तो न्याय प्रिय कार्य करे, अपराध शायद नियंत्रित हो जाए, लेकिन पुलिस साथ न्याय का नहीं अन्याय का देती है। साथ ही इस तरह जनपद में कई थानों में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। प्रतापगढ़ से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? अरे 5-6 हजार रुपए तो नुकसान तक हुआ। तो यही लड़का है जो है यही लगाता है? हाँ 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 साहब यही है। क्या नाम है तुम्हारा? संतोष, बोलो संतोष। अच्छा बोल नहीं पाता है ये क्या कह रहा है? अंडा अंडा। अच्छा अंडा बताओ अंडा। हाँ क्या कह रहा है? अंडा बतावता है कि हमारे अंडा सब फेंक देहन, पन्नी उन्नी उजरवा के बहा देहन। हम माई बेटवा खाद पियत रहे, वही से रोटी वही से गुजारा करते रहे। तो आपकी दुकान जो है चौकी इंचार्ज ने फेंकवा दी? हाँ फेंकवा दिया साहेब हमारा दुकान सब।